लालकुआ के भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने COVID-19 ड्राई रन संपन्न होने पर क्षेत्रवासियों को दी बधाई। यहां अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश COVID-19 पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्ति की दिशा में लगातार बढ़ रहा है तथा देश के साथ आज प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन पूरी सफलता के साथ सम्पन्न हुआ। इस ड्राई रन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने वाले वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों व पुलिस कर्मियों आशा कार्यकर्ताओं सभी बधाई के पात्र हैं। बड़े गौरव की बात है कि दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, जहां लोगों को अभी तक उपचार के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हमारे वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान में बनी वैक्सीन को जो परमिशन दी है और बहुत कारगर वो सिद्ध हो रही है, आज उसका निरीक्षण भी हो गया है। मैं आह्वान करता हूँ लोगों से, मेरा कहना है कि केंद्र सरकार ने जिन जिन तरीकों से कोविड से बचने के लिए वैक्सीन का उपयोग करने के लिए कहा है उस तरह करेंगे। निशुल्क वो मिल रही है, अन्य देशों में बहुत महंगी है और मिल भी नहीं रही है। यहाँ हमारे वैज्ञानिकों ने आदरणीय मोदी जी की सरकार में बहुत, हम सब लोग व्यवसायी हैं, गौरवमयी हैं कि हमारी वैक्सीन अच्छी वैक्सीन है और जो दूसरी एक और बीमारी जो ब्रिटेन से आई है उसमें भी वो कारगर है। इसलिए सब लोगों को बताए हुए रास्ते से जिस तरह वो बताया जा रहा है उस तरह लगवाना चाहिए, आगे आना चाहिए और अभी भी दूरियां और मास्क का प्रयोग बराबर करना। जब वो उनको इतनी बेचारों को जानकारी नहीं है कि कोई पार्टी क्या वैक्सीन बना रही है, हमारे वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं वो लोग तो वही हैं जो झूठे किसानों को ले जा करके बैठा करके उनको गुमराह करके और वो वहाँ ले जा करके सोचते हैं कि हम किसी तरह मोदी का विरोध करें। वैक्सीन को भी ये कहते कल परमाणु बम तो फिर हमने बनाया, भाजपा ने बनाया, इन्होंने तो कुछ बनाया नहीं, तो हमारा माना जाएगा, भाजपा का माना जाएगा। या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो भाजपा करती है उसको तो ये नहीं कहते हैं भाजपा का है, फिर कहते हैं ये तो हमारे साइंटिस्टों ने बनाया। तो वैक्सीन को भाजपा ने बना दिया और परमाणु बम साइंटिस्टों ने बनाया। आज भी हमारे वैज्ञानिक ही हैं, सब कुछ वैज्ञानिकों की बनाई है और जिनकी ऐसी मानसिकता वो दूर रहे वो ऐसे ही रहेंगे।